पार्षद की हत्या पर गरमाई सियासत, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चुनावी हिंसा के दौरान कांग्रेस पार्षद की हत्या के मामले में राजनीति और तेज होती जा रही है। पुलिस ने अब राजनगर से कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा के खिलाफ धारा 307 का मामला दर्ज किया है। इसके पहले कांग्रेस पार्षद की हत्या के आरोप में बीजेपी कैंडिडेट अरविंद पटेरिया के खिलाफ 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में अरविंद पटेरिया की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तकरीबन 24 घंटे तक खजुराहो में आंदोलन भी किया था। छतरपुर के पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की शिकायत पर विधायक विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा सहित 12 लोगों पर धारा 307, 341, 147, 149, 294, 506 और 427 IPC के तहत FIR दर्ज की गई है। बीजेपी कैंडिडेट अरविंद पटेरिया के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई को लेकर प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने आज सोमवार 20 नवंबर को पुलिस अधीक्षक अमित सांघी को ज्ञापन भी सौंपा था। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह चौहान ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग की है। इसमें राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के राजनगर विधानसभा प्रत्याशी विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस उम्मीदवार आलोक चतुर्वेदी उर्फ पज्जन भैया, महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी नीरज दीक्षित, बड़ा मलहरा क्षेत्र के विधानसभा प्रत्याशी रामसिया भारती, चंदला विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी हरप्रसाद अनुरागी और बिजावर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चरण सिंह यादव के खिलाफ नामजद शिकायत की गई है। वीडी शर्मा ने लगाए कांग्रेस पर गंभीर आरोप। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस संबंध में छतरपुर कलेक्टर और एसपी से मिलकर ज्ञापन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक नाती राजा ने अपने ही ड्राइवर की बलि दी है। वीडी शर्मा ने कहा कि तड़के 3 से 4 बजे की घटना की जानकारी पुलिस को 6 बजे दी गई और कहा गया कि इसकी हत्या हो गई। वीडी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए नाती राजा एक मुस्लिम भाई की हत्या कर दी और हत्या के बाद ये आरोप लगाया जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सके और बूथों पर कब्जा करने का भी काम नाती राजा ने किया। इस मामले की हमने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्यवाही के लिए आवेदन दिया है और मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि उनकी मौत कैसे हुई और प्रशासन ने कार्यवाही क्यों नहीं की। वीडी शर्मा का दिग्विजय सिंह पर हमला। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने यहाँ आकर वातावरण को खराब करने का काम किया है, धमकियां देने का काम किया है। दिग्विजय सिंह और यहाँ के कांग्रेस विधायक और दूसरे लोगों ने आचार संहिता में कानून तोड़कर धरना कैसे दिया? प्रशासन ने इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की? गिरफ्तारी क्यों नहीं की? FIR क्यों नहीं हुई? प्रशासन के इस बायस्ड कार्रवाई के खिलाफ हमने DGP को भी कहा है, इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत की है। यहाँ बताते चलें कि खजुराहो के कांग्रेस पार्षद सलमान हत्याकांड का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में खजुराहो से कांग्रेस के दिग्गज और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाने के सामने टेंट धरने पर बैठ गए थे। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। घटना के 60 घंटे बाद रविवार को सलमान का शव शाम 5 बजे दफनाया जा सका। जो घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के 35 कार्यकर्ताओं पर फर्जी 302 की FIR की गई और कांग्रेस के अपराधी प्रवृत्ति के प्रत्याशी नाती राजा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लेकर हमारे कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमला किया, उन पर किसी प्रकार की FIR नहीं की गई 3 दिन तक। ये प्रशासन की बायस्ड कार्रवाई को दिखाता है। नाती राजा के ड्राइवर, जिनका वीडियो खुले गोलियां चलाते हुए देसी कट्टे से दिखाया गया है,
उनको किस गाड़ी से वो कुचले। मेरी सिंपैथी है किसी व्यक्ति के अगर किसी की मृत्यु दुर्घटना में हुई है, मैं उनसे सिंपैथी रखता हूँ। सर आप कह रहे कांग्रेस और इस प्रकार से उनको ये कहा गया कि उनकी हत्या कर दी गई, मेरा तो आरोप है कि 3:30-4 बजे की घटना को पुलिस को इन्फॉर्मेशन कितने बजे दी गई? सुबह 6 बजे। और उसके बाद कहा गया कि इसकी हत्या हो गई। राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक मुस्लिम भाई की मेरा आरोप है, नाती राजा ने कुचल करके उससे हत्या कर दी और हत्या करके ये आरोप लगा करके जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सके और बूथ बूथों पर कब्जे करने का काम नाती राजा ने कांग्रेस के प्रत्याशी ने राजनगर विधानसभा में किया चुनाव को प्रभावित करने के लिए। इसकी हमने कहा है कि कड़ी से कड़ी जांच, किस बात से, कौन सी गाड़ी से, ड्राइवर किसी का होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ड्राइवर मालिक को बचाएगा कि खुद जाकर के गाड़ी के नीचे चला जाएगा? कैसे उस गाड़ी के नीचे दब करके उसकी मौत हुई है? तो आज हमने पुलिस को, जिला प्रशासन को, दोनों को कड़ी कार्रवाई के लिए लिखा है और ये कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की प्रशासन ने? और दिग्विजय सिंह ने यहां आकर के जो गुंडिज्म किया है, वातावरण को खराब करने का काम किया है, धमकियां देने का काम किया है, आचार संहिता में दिग्विजय सिंह, यहां के कांग्रेस के विधायक और जो लोग हैं उन्होंने आचार संहिता में कानून तोड़ करके धरना कैसे दिया? प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? गिरफ्तारी क्यों नहीं की? FIR क्यों नहीं हुई? इसलिए प्रशासन की इस वाइल्ड कार्रवाई के खिलाफ हमने कल DGP को भी लिखा है, हम मिले हैं, हमने इलेक्शन कमीशन, चूंकि अभी आचार संहिता लगी है इसलिए इलेक्शन कमीशन का ज्यूरिडिक्शन है, इसलिए हमने कहा है। और आज हमने यहाँ के DM को भी आज इस कार्रवाई के लिए जो बाइस्ड कार्रवाई हुई है और 35 लोगों पर 300 की FIR, कोई गाड़ी से दबता है और गाड़ी से दब करके किसी की मौत होती है तो क्या हत्या का प्रकरण दर्ज होता है? और 35 लोगों पर आंख बंद करके चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र नाती राजा ने रचा, अपने ही ड्राइवर की बलि दे दी और बाद में आंसू टपका करके दुर्भाग्यजनक है कि दिग्विजय सिंह सेल्फी खिंचा रहे थे और हंस रहे थे या संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे और नाती राजा नाटक के आंसू बहा करके और वोट की अपील कर रहे थे। प्रकरण की जांच होगी, हमने कहा है, मांग की है और जो प्रशासनिक अधिकारियों ने बाइस कार्रवाई की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार की चीजें करती, मुझे भी न्यूसेंस करना आता है, मैं भी 10,000 लोगों के साथ अभी घुस सकता हूं, लेकिन जिम्मेदार लोग हैं तो इसलिए वातावरण खराब करने का काम दिग्विजय सिंह ने जो खजुराहो राजनगर अंदर किया ये दुर्भाग्यजनक है, इसका भी जवाब मिलेगा और दिग्विजय सिंह और जो लोग धरने पर बैठे थे उनके खिलाफ FIR हो, ये हमने मांग की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।